हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली और आज की इस शॉर्ट टिक वीडियो में हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उनको कैसे याद करें, यानी जो अलग अलग वेव्स बनती हैं अलग अलग वेवलेंथ पर और अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर, तो उनको हम कैसे समझें। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से कन्फ्यूजन हमें हो जाता है, हम सिक्वेंस भूल जाते हैं, तो जिसलिए हमारे क्वेश्चन क्या है गलत हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन वेवलेंथ के हिसाब से या फिर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करने के लिए पूछ लेता है, या फिर इनके यूज पूछ लेता है, या फिर सीधे सीधे इनकी क्या है वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी पूछ लेगा। तो आज की शॉर्ट ट्रिक वीडियो में हम यही समझेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हो, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप समझ लीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए दो तीन ट्रिक बताऊंगा, जिसमें जो भी आपको अच्छी लगे उससे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको हम समझ लेते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए कि जो हमारी वेव्स हैं, जो अगर हम बात करें, देखिए अगर मैं बात करूं इधर से इस तरफ जाने की, तो अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ की, वेवलेंथ को हम जो है हिंदी में बोलते हैं तरंग धैर्य। क्या बोलते हैं? तरंग धैर्य, तरंग धैर्य बोलते हैं इसको, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है और कॉस्मिक रेज की सबसे कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ इस तरफ बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि इधर से इधर जाने पर जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ती है। इसी तरह से जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी तो हम डिनोट करते हैं उसे, एंड इसको हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। और आवृत्ति जो होती है इधर जाने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो या वाइस वर्सा आप ऐसे कह लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए जो कॉस्मिक रेज है ना, ये सबसे इनकी जो वेवलेंथ होगी सबसे शॉर्ट होती है, सबसे छोटी होती है, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह से रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी जो होती है सबसे कम होती है, लेकिन तरंग धैर्य जो होती है सबसे ज्यादा होती है। अभी हम डायग्राम के जरिए समझेंगे। पहले हम इसके लिए जो है कुछ ट्रिक याद कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए जो सबसे सरल सी ट्रिक है वो ये है, क्लासिकल। देखिए गामा रेज के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, गाड़ी, यानी क्लासिकल गाड़ी, XUV है ना, XUV एक गाड़ी आती है, तो इसके लिए X याद कर लेंगे और ठीक है। और इसके लिए जो है U, अल्ट्रा वायलेट के लिए, UV का मतलब यहाँ क्या है? अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरण। तो जो पराबैंगनी वेव्स होती हैं, तो इसके लिए जो है U, और V के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कौन सा? विजिबल, है ना, तो V, तो XUV। इसके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे इन, और माइक्रोवेव के लिए यूज करेंगे हम माई, और इसके लिए हम वर्ड यूज कर लेंगे रेंज, है ना। क्लासिकल गाड़ी XUV इन माय रेंज, है ना, मेरी रेंज में है। और कौन सी गाड़ी? XUV, तो इसको हम ले सकते हैं। खैर, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माय रेंज, इससे आप याद कर सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ना, अच्छे से याद करने की। अब और बाकी ट्रिक जो है वो यहां तक बनती है। अगर हम इधर से पढ़े, इधर से अगर ट्रिक याद करनी है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके लिए इधर से भी याद कर सकते हैं कि जैसे हम एक वर्ड यूज करें रेडियो, इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं मिर्ची, रेडियो मिर्ची। अब देखो जैसे आई है, इंफ्रारेड के लिए हम यूज कर सकते हैं आई। अब ये जो विजिबल लाइट होती है, लाइट के लिए होती है विजिबल लाइट, तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर लें लव, लव। यू है ना, जैसे होता है ना यू, आई लव यू, तो ये यू हो गया, ठीक है। इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं जीरोक्स, और जी के लिए हम जो है यूज कर सकते हैं गन, जीरोक्स गन। यहां तक बनेगा, और इसके बाद में हम सबको पता ही होता है कि जो सबसे गामा रेज के बात की होती है वो कॉस्मिक रेज होती है। यहां तक आप याद कर सकते हैं, रेडियो मिर्ची, आई लव, आई लव, आई लव यू, जीरोक्स गन, है ना, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो माई के लिए यहाँ पे माइक्रोवेव्स, है ना, तो रेडियो मिर्ची। आई के लिए यहाँ हो जाएगा इंफ्रारेड, अवरक विकिरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। लव के लिए जो है कौन सा हो गया? लाइट यानी विजिबल। देन यूवी के लिए हम यू, एंड जीरोक्स के लिए हम यहाँ पर एक्सरेज के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, और गामा के लिए हम गन यूज कर रहे हैं। एक और भी ट्रिक है, इधर से अगर याद करना चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, रेड मास्टर, ये भी यूज कर सकते हैं। अगली ट्रिक बन जाएगी हमारी रेड मास्टर इन 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 वी के लिए है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ब्लेज, इन ब्लेज। जो भी मैं कैपिटल वर्ड से लिखूंगा उसको हम काउंट करेंगे, मतलब उनको शामिल करेंगे। तो रेड मास्टर, रेड मास्टर इन ब्लेज, इसके लिए ब्लेज यहाँ पर एक वर्ड यूज कर लेंगे इज एन अल्टीमेट, तो इसको हम नहीं लेंगे, जिसको हम कैपिटल से लिखेंगे उसको लेंगे अल्टीमेट, अल्टीमेट, अल्टीमेट
इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं अल्टीमेट एग्जाम्पल। हाँ, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एग्जाम्पल, अल्टीमेट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो, इसको ऑफ को नहीं लेंगे, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, ऑफ घोस्ट, घोस्ट है ना, घोस्ट। तो ये भी एक ट्रिक बन सकती है, रेड मास्टर इन ब्लेज इज अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ घोस्ट। तो इसमें जो है घोस्ट को ले लेंगे, ठीक है, देख लो इसको। रेड से आपका हो गया रेडियो वेव्स, मास्टर से आपका हो गया माइक्रोवेव, आयन से हो गया इंफ्रारेड, विलेज से हो गया आपका विजिबल, है ना, इसको हम लेंगे नहीं। देन क्या अल्टीमेट के लिए हो गया कौन सा, यूवी, जेरोक्स के लिए कौन सा हो गया यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए हो गया और कौन सा, एक्सरेज, एक्सरेज ऑफ के लिए हम वर्ड यूज करेंगे नहीं, एंड गामा के लिए हम यूज कर लेंगे, गामा फॉर, है ना, घोस्ट, या घोस्ट फॉर गामा, ठीक है। तो ये हमारी तीन ट्रिक है, जो भी आपको अच्छी लगे, वैसे मेरे ख्याल से आपको ये ज्यादा अच्छी लग रही होगी, क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, तो आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। आप समझते हैं हाँ कि इनके यूजेस क्या क्या है ना, ठीक है। तो इनके यूजेस आप देखेगा कि कहाँ कहाँ। अच्छा हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आप सब जानते ही हैं कि क्या होता है, कि दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, यानी दो पीक्स के बीच की जो दूरी होती है, यानी मैं यहाँ से अगर यहाँ तक कहूँ तो ये एक वेवलेंथ यहाँ तक बन जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक ये अगली वेवलेंथ है, इस तरह से, चाहे इधर से लें चाहे इधर से, इस तरह से आप देखिएगा कि ये वेवलेंथ जो है वो घटती चली जा रही है इस तरह से करके, और यहाँ इतनी ज़्यादा शॉर्ट हो गई, है ना। ये कलर आप देखेंगे हाँ, तो शायद थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा, तो देखिएगा कि वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती चली जा रही है, बट फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी खास टाइम में जो पीक्स हैं वो कितनी गुजर रही हैं, कितनी वेव्स जो है वो इस तरह से गुजर रही हैं खास टाइम में, और फ्रिक्वेंसी आप निकालते हैं 1/T से, है ना। तो इस तरह से ये आप देखिएगा, तो ये क्या है, वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती चली जा रही है, ओके, एंड जो है जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इधर से इधर जाने पर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो अब इसके बाद में जो होंगी याद रखिएगा कौन सी रेज होंगी, कॉस्मिक रेज होंगी, कॉस्मिक रेज होंगी। देन उसके बाद में कौन सी, गामा, देन एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एंड ये वाली रेडियो वेव्स। अब देखो इनका जो इस्तेमाल है कहाँ कहाँ है, जो रेडियो वेव्स है इनका इस्तेमाल आप देख लें कहाँ कहाँ होता है, यूज इन द ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एंड टेलीविजन, टेलीविजन और जो रेडियो होता है ना, तो कम्युनिकेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा ना, रेड एफएम बजाते रहो, रेडियो मिर्ची उनकी इतनी 92.3 FM बजाते रहो, तो वह जो उनकी हर्ट्स में दी हुई होती है फ्रिक्वेंसी। खैर यहाँ पर आप देखें, यूज इन जो माइक्रोवेव से, इनका यूज जो है वो कुकिंग में, जो आप आजकल माइक्रोवेव्स कुकिंग आती है ना, वो जो होते हैं ना माइक्रोवेव कुक, वो जो बनाने वाले, खाना बनाने वाले होते हैं ना, माइक्रोवेव्स हो गया। रडार में इसका इस्तेमाल होता है, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल्स में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, माइक्रोवेव का यूज भी कम्युनिकेशन में हम कर सकते हैं। देन अब आता है हमारा IR, इंफ्रारेड, अवरक्त विकिरण, इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें हाँ ठीक है, तो ट्रांसमिट हीट फ्रॉम द सन, फायर एंड रेडिएशन, तो जो IR होती है, जैसे अर्थ की रेडिएशन निकलती है ना, अर्थ की रेडिएशन हो गई, उसमें भी IR होती है, और इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आपका नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन बायनोकुलर, ये सब आते हैं ना, या फिर जैसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है ना, इन सब में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो विजिबल है, विजिबल जो है इसी में जो है 7 कलर होते हैं, और यही जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइट को। यहाँ लिखा है लाइट, तो देखिए इधर से आपने पढ़ा होगा विबज्योर, है ना, इस तरह से करके विबज्योर, विब विबज्योर, एक मिनट, विबज्योर, ये हो गया। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है, क्योंकि इधर से हम देखेंगे तो इनमें वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है, बट जो इसका उल्टा होता है, जैसे हम बात करें स्कैटरिंग की, प्रकीर्णन की, उस पर क्वेश्चन बन जाता है, तो प्रकीर्णन अगर देखें सबसे ज्यादा वायलेट का होता है, सबसे कम जो है वो रेड का होता है। वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा रेड की होती है, विजिबल की सबसे कम होती है ना। तो इससे क्या है, मेक्स थिंग्स एबल टू सीन, यानी हम जो भी देखते हैं वो लाइट की इसी रेंज में देखते हैं, और इसकी जो रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर की होती है, या 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर कह सकते हैं आप, अभी हम बात करेंगे उसमें। देन अल्ट्रावायलेट रेज, तो एब्जॉर्ब बाय द स्किन, यूज इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हमारी स्किन एब्जॉर्ब भी कर लेती है। यूवी जो होती है वो 3 तरह की होती है, UVA, UVB, UVC, जो ज्यादा हार्मफुल होती है UVC होती है, जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, ओजोन परत के जरिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगी इनमें किसकी होती है, वो ए की होती है, UVA की, फिर जो है उससे कम होती है बी की, देन सबसे कम होती है किसकी, सी की। तो सबसे ज्यादा ठीक है जो अर्थ तक पहुंच पाती है रेज,
इसी की वेवलेंथ के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, है ना, एक शॉर्ट ट्रिक उसी पे बना देंगे। तना भी फिलहाल इतना समझ लेना कि जो एक्सरे है, एक्सरे का यूज जो है वो मेडिकल डायग्नोसिस में करते हैं, बॉडीज में जैसे कहीं फ्रैक्चर है, स्टोन है ना, उस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं मेडिकल डायग्नोसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा डिटेक्टिव में यानी जासूसी में और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं गामा रेज जो होती है, यूज इन द मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर, यानी रेडियोथेरेपी में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। दो थेरेपी आपने सुना होगा, कीमोथेरेपी जिसमें लिक्विड दिया जाता है, केमिकल दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, रेडियोथेरेपी में रेडिएशन डाली जाती है, तो रेडियोथेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट एक चीज याद रखेगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल है, लेकिन एक्सरे और गामा रेज के कॉन्टेक्ट में आने से लंबे समय तक क्या होता है, कैंसर भी हो जाता है, म्यूटेशन कॉज हो सकता है, सडन चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन, यानी डीएनए में अचानक से जो बदलाव आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन बोल देते हैं, जो कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो ये था, अब आइए समझते हैं इनकी जो वेवलेंथ है वो कितनी कितनी होती है। अब देखो यहां पे लिखा है लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी सिंपली, और शॉर्ट वेवलेंथ है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हाई होगी। अब इसमें हम इधर से बात करेंगे तो इसके आगे की जो रेंज होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ में सबसे कम जो होगी वो कौन सी होंगी, कॉस्मिक रेज होंगी। कॉस्मिक रेज के बाद में जो है 10^-13 से लेकर के 10^-11 तक जो होता है वो क्या होता है, गामा रेज होती है, समझ रहे ना। अब यहां से 10^-11 से लेकर के 10^-8 तक जो होती है वो एक्सरेज होती है, और इनको हम नैनोमीटर की रेंज में रखते हैं। नैनोमीटर का मतलब ही होता है 10^-9 मीटर एक्सरेज। उसके बाद में फिर हमारी आती है अल्ट्रावायलेट, जिनको आप यूवी बोलते हैं, तो इनकी रेंज 10^-7 से लेकर के 10^-8 से लेकर के 10^-7 तक रहती है। अगर इधर से काउंट करेंगे तो इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम विजिबल की बात कर लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 0.4 से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर, इसी को हम कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रोमीटर होता है 10^-6 मीटर, है ना। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10^-6 मीटर, इसी तरह से 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10^-9 मीटर। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें नैनोमीटर में तो ये हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर हो सकता है, समझ रहे, ये हो गया। देन इसमें 7 कलर होते हैं और हम सिर्फ इसी रेंज में देख सकते हैं, ठीक है, तो माइक्रोमीटर में हम ले सकते हैं, है ना। इसके बाद में इधर जो रहेगा फिर आपका आता है इंफ्रारेड, IR, जिसको अभ्रक विकिरण बोलते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो आप मान करके चलिए कि जो ये रहेगा इसी रेंज में, इन दोनों को रख दिया है तो ये 10^-3 है ना, तो आप यहां से मान ले 0. ये कितना था, 0.4 से 0.7 हो गया, तो आप यहां पे मान करके चलें कि 10^-4 से लेकर के 10^-3 तक ये रहेगा, और ये इसकी जो रेंज हो जाती है मिलीमीटर में पहुंच जाती है, ये माइक्रो लेवल पे रहता है। देखिए नैनो और फिर माइक्रो, फिर जो है कौन सा हो गया मिलीमीटर, और इधर जब आप बढ़ेंगे तो मीटर में पहुंच जाएगा। तो उसके बाद में फिर 10^-3 से 10^-1 तक जो रहता है वो माइक्रोवेव, जिनको आप बोलते हैं सूक्ष्म तरंगें, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म तरंगे, ये रहेगा। देन जो सबसे एंड में होगा रेडियो वेव्स होती हैं, और इनकी रेंज होती है वो लगभग वेवलेंथ ही 1 मीटर के आसपास होती है, 1 मीटर के आसपास होती है। ये था, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहिएगा टारगेट विल एप्लीकेशन के साथ, और इसी तरह से धीरे धीरे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। अभी के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।